भाई तू घर के अंदर मोटरसाइकिल लेके क्यों आ गया? वो सर जी आजकल चोरियां बहुत हो रही है ना, इसलिए मैंने सोचा मोटरसाइकिल अंदर ले आऊं। वशे वशे। ओ भाई तू है कौन? जी मैं करीम हूँ। कौन सी करीम है तू? रंग गोरा करने वाली करीम तो हो नहीं सकती। करीम नहीं, करीम, अब्दुल करीम। वो आपको घर के कामों के लिए मुलाजिम चाहिए था ना? हाँ हाँ। मैं आ गया। क्या क्या काम कर लेते हो? जी मैं सारे काम कर लेता हूँ, बर्तन कपड़े धो लेता हूँ, खाना बना लेता हूँ, बाजार से सौदा सर्फ ले आता हूँ, और मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी है, जो दूर का काम है ना वो भी कर लेता हूँ। यार नबील वैसे ये आसानी हो जाएगी, हम दोनों को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। हाँ महमूद साहब, मोटरसाइकिल वाले सारे काम कर सकते हो ना तुम? ओ जी मोटरसाइकिल वाले सारे काम मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो मोटरसाइकिल करेगी, मैं तो अपने वाले सारे काम करूंगा। बुशे बुशे। बस आप लोगों ने पेट्रोल डलवाना होगा। कहाँ? मोटरसाइकिल में। प्लीज देखिए मुझे मना मत कीजिएगा, मेरी बूढ़ी माँ है, 6 बहनें हैं, उनकी शादी करनी है। आप जो काम बोलेंगे मैं 24 घंटे आपकी खिदमत करूंगा, जो खाने को देंगे वो खाऊंगा, कभी नखरे नहीं करूंगा। ठीक है, हम तुम्हें 1-2 दिन ट्रायल पे रख लेते हैं, अगर हमें तुम्हारा काम पसंद आ गया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। शुक्रिया बाजी जी। चल फिर जल्दी से जाके अफतारी का सामान पकड़ ले। जी मुझे बस अफतारी और पेट्रोल के पैसे दे दें। भाई अफतारी के पैसे अभी ले ले, पेट्रोल के पैसे ना तनख्वाह के साथ ले लेना। जी जी जैसे आपकी मर्जी। अच्छा वैसे वैसे ले फिर जल्दी से ना लेकर आ तू, ये ले। चलिए जल्दी। ठीक है अम्मा जी, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है ठीक है, चल चल शाबाश शाबाश, ज्यादा ध्यान से। हां शाबाश शाबाश, इस वक्त रश भी बहुत होता है। सर बांध ले अपना कहीं। शाबाश शाबाश, स्टार्ट उसको बाहर जाके करी, बहुत आवाज है इसकी। चल शाबाश, ले जा ले जा इसको धक्कावार। चल शाबाश। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। हाँ जानू नौकर पसंद आया? क्या फजूल बातें कर रहे हो नबील? मेरा मतलब है जानू काम का है ना? हाँ नबील, पहली बार हमें कोई ढंग का नौकर मिला है और पहली बार तुमने कोई ढंग का काम किया जिंदगी में। थैंक यू जानू। अच्छा ये बताओ नबील कि इसको तनख्वाह कौन देगा? जानू ये भी कोई पूछने की बात है, तुम दोगी यार? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं कहाँ से दूंगी? अपने पापा से लेकर और कहाँ से? ये सोचना भी मत नबील, इस नौकर की तनख्वाह तुम और महमूद साहब दोगे। कान खोल के सुन लो। क्या क्या? हाँ अरे हम कहाँ से देंगे उसे तनख्वाह नबील, हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है। हाँ महमूद साहब आप क्या करें? अरे करना क्या है, उस नौकर की छुट्टी करो वरना खामखा ये मुसीबत हमारे गले पड़ जाएगी। सोच ले महमूद साहब, बड़े अरसे बाद हमें याशी करने का मौका मिल रहा है। हाँ यार वैसे उसके होते हुए रोजे जो है ना सुकून से गुजर जाएंगे। महमूद साहब एक काम करते हैं। क्या? उसे कहते हैं कि भाई तुम्हें एडवांस तनख्वाह नहीं मिलेगी, ईद पर तनख्वाह मिलेगी। और ईद पर कैसे देंगे तनख्वाह? मामू साहब चांद रात को उस पे चोरी का इल्जाम लगा के ना उसे धक्के मार के निकाल देंगे। क्या? हाँ पूरे रमजान उससे काम लेंगे और तनख्वाह भी देनी नहीं पड़ेगी। कैसा? यार नबील ये कुछ घटियापन सा नहीं लग रहा? ठीक है आपको लग रहा है ना ये घटिया आइडिया, तो आप दे दें तनख्वाह अपनी जेब से। नहीं नहीं मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब आइडिया है। आपके ख्याल में जो मुनासिब है वो आइडिया है? हाँ जी। चलें फिर अफतारी का टाइम हो रहा है। चलो चलो महमूद आओ।
नबील, ये सब कुछ करीम ने बनाया है? हाँ जानू, सारा सामान लेके आया, फिर उसने बना के सजा दिया टेबल। यार ये मुलाजिम तो बहुत ही सुगर निकला। हाँ जानू, अब तुम इसे तनख्वाह दे दोगी ना? शराब नबील, चुपचाप दुआ मांगो। या मेरे मालिक, ये लोशन इस घर से कहीं ना जाए। अरे लोशन नहीं मोमो, करीम करीम। हाँ हाँ वही वही। अरे नबील भाई, अरे नबील भाई मेहमूद साहब। अरे नबील भाई मेहमूद साहब। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नबील भाई, मेरी मोटरसाइकिल बाहर नहीं है। ओ इसमें रोने की क्या बात है, इधर ही किधर होगी, जा जाके देख, तू कहीं लैटरीन तो नहीं लेके गया? अरे मोमो, वो मोटरसाइकिल है, कोई लोटा तो नहीं है। अरे मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, अब मैं क्या करूंगा? ओ भाई रो मत, हमें इफ्तार करने दे, फिर कुछ सोचते हैं। अरे मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, आप लोगों को इफ्तारी की पड़ी है यार। मेरी जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी, अब मैं क्या करूंगा? रो मत करीम, हम कुछ करते हैं। अरे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? इफ्तार करने का टाइम हो गया है। अब मैं अपनी माँ को अस्पताल कैसे लेकर जाऊंगा, अपनी बहनों को क्लिफ्टन घुमाने कैसे लेकर जाऊंगा? अरे मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, अब मेरे घर में फाके होंगे ना। तो तू कौन सा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला के पैसे कमाता था? अरे मैं लोगों के काम तो करता था मोटरसाइकिल पे। अरे भाई जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं भाई? क्या मतलब है क्या कर सकते हैं? मेरी मोटरसाइकिल आप लोगों के घर से चोरी हुई है, आप लोग मुझे नई मोटरसाइकिल दिलाएंगे? मेरा दिमाग खराब हो गया, हम किधर से दिलाएंगे तुझे मोटरसाइकिल? तो ठीक है फिर, आज मैं इस घर के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं छोड़ दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। अबे तो बाहर जाके मर। नहीं, मेरी मोटरसाइकिल इस घर से चोरी हुई है, मेरी लाश भी यहीं से जाएगी। ये तेरा आखिरी फैसला है? हट जाओ सब। ओ जानू, तुम घड़ी घड़ी जहाँ क्या देख रही हो यार? तो मैं क्या करूँ नबील? ओ यार, तुम्हारे पापा का इतना पैसा कब्र में लेके जाएंगे, बेचारे गरीब को दे दो नई मोटरसाइकिल के पैसे यार। व्हाट? थैंक यू बाजी। क्या आप नहीं जानती आपने मेरे घर वालों पर कितना बड़ा एहसान किया है, मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। ठीक है, एक शर्त पे दूंगी पैसे तुम्हें। जी जी बोले। कि हर महीने तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगी। जी मुझे मंजूर है। चलो दे दूंगी पैसे। अब तो खुश हो ना, कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें नई मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। वो जो कल तुम इसको नई दिलाओगे वो मोटरसाइकिल होगी। हाँ जी। अच्छा जी। चल अब चाय बना ले कड़क सी। अच्छा पति गुस्से से डालनी है तूने। यार नबील, ये क्रीम कब आएगा यार, कितनी देर हो गई है। यार मैं गुस्सा हूँ, थोड़ी देर तो लगेगी ना, पैदल गया हुआ है यार। एक घंटा हो गया उसे गए हुए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने उसको बाइक के पैसे दे दिए थे और वो लेके भाग गया है। नबील, मैंने उसे कल रात को ही बाइक के पैसे दे दिए थे। क्या? हाँ। हेलो। हाँ भाई जाने, तुम लोग क्या समझ रहे थे मुझसे मुफ्त में काम कराते रहोगे? कौन? अब्दुल करीम। ओ भाई अब्दुल करीम, तू कहाँ रह गया भाई, जल्दी से दारी लेके, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अबे तेरे बाप का ना करूँ मैं। अबे जाकर खुद लेकर आ, वरना बगैर सहरी के रोजा रखना पड़ेगा। हाँ क्या? और एक बात और, मेरी मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई थी, मेरे पास ही है। हाँ मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाएगा, अब लगा साले। ओ यार महमूद साहब, वो अब्दुल करीम हमें चूना लगा गया। चूना? हाँ जानू, उसकी बाइक चोरी नहीं हुई थी। तो फिर मेरे पैसे? वो लेके भाग गया। क्या? चले मामो साहब, एक बार फिर बगैर सहरी के रोजा रखना है। एक बार फिर हमने बगैर सहरी के रखना है, वो